वेलकम बैक कॉमेडियन जय विजय सचान ने उत्तर प्रदेश .org से खास बातचीत में कई फिल्मी कलाकारों और राजनेताओं की मिमिक्री की है, आप भी देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिनी दीक्षित और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक कॉम्बो पैक से। जी हां, ये ना सिर्फ एक एक्टर हैं, एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनर हैं। तो आइए मिलते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के सेमी फाइनलिस्ट जय विजय सचान जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है जय विजय सचान जी हमारे उत्तर प्रदेश .org में। सर, आप हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि कुछ आर्टिस्ट के नाम हम बोलेंगे, अगर आप उनकी मिमिक्री करके यहाँ पे दिखा सकें। सलमान खान जी सर। कमाल करते हो यार, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की नहीं सुनता, मैं और तो बच्चों पे हाथ नहीं उठाता। तुम सुन रहे हो ना, किसी पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन फिर भी मेरी तो मुझको छोड़ के गई। नाना पाटेकर। अरे क्या है, लोग कहते हैं मोहब्बत है, अरे घंटा मोहब्बत है, मैं बताता हूँ क्या है मोहब्बत। मोहब्बत है मिर्ची नहीं बोले सुन, धनिया पुदीना अदरक का जान अच्छा है। न खाता ना पीता ना सोता ना जागता, सिर्फ एक गाना गाता, तुझे नहीं खाता वही जाना शर्म। अरे क्या खाक जाना, ऊपर वाले ने दुनिया बनाई देखा, बड़े अच्छे लोग हैं, यहाँ देखो धर्म जाति के नाम पे कट मर रहे हैं। अरे लगा गले में फांसी, इनके लिए नहीं मरना, ठीक है। जय हिंद जय भारत। अमिताभ बच्चन। ऋषभदम सबके बाप होते हैं, नमः शहंशाह। देखिए भाई साहब, मैं इस बात से बड़ा नाराज होता हूं कि उम्र के इस पड़ाव में आप अपने मां बाप का सहयोग नहीं देते। मेरे जितने भी चाहने वाले हो, आपके लिए मैं साबुन तेल मंजन अगरबत्ती बिनाई सीमेंट जाने क्या क्या बेचता हूं। मैं बस आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं, मेरे जितने भी दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर आपने मुझे कभी अहमियत दी है या फिर आपको लगता है कि आपको मेरी बात सुननी चाहिए, तो जब सड़कों पे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब जब कोई आपका अपना आपको छोड़कर जाता है तो मां बाप पर, आपके परिवार पर पूरे जीवन किस तरह का बोझ रहता है। हो सकता है कि आपके हेलमेट लगाने से आपके साथ साथ आपके परिवार का भी जीवन बच जाए, मेरी बस आपसे यही विनती है। इरफान खान। दो भैया समझ लो, बड़ा तुमको समझना बहुत जरूरी है, समझते हो ना? अबे अबे हम तो तुमको कहते हैं, समझते हो ना? अबे हमारे लखनऊ के लोग बहुत होशियार है। अबे हमने एक लड़की को देखा सुबह, समझती हो, मतलब इतना कमाल का पाउडर लड़की ने चेहरे पर लगाया था कि गुरु हमको कैरम बोर्ड की याद आ गई। मतलब बाप मरा अंधियारे में बेटा पावर हाउस, समझ लो। तो बड़े चलो फिनिश फिनिश काम को, फिनिश करो, दिमाग लगाओ। हाँ फिनिश। प्राण। बेटा साईं, लगता है लखनऊ में नए आए हो, वरना हमारे शेर खान को पहचानने में जो तुमने गलती की है इसकी सजा तुम्हें 35 कप चाय पिलाने के रूप में ही मिलती। हम लखनऊवी लोग हैं, हमारे यहाँ चिकन पहना भी जाता है और खाया भी जाता है, कहीं हम तुम्हें गुस्से में खाना जाए बरखुरदार। धर्मेंद्र। मकसम, मेरे दिल इतना तकलीफ में जाता है, मैं आज तक एक बात समझ नहीं पाया, मेरा बेटा सली पाकिस्तान से लड़ा और वो जीता, मैं गब्बर से लड़ा और मैं जीता, मेरी बीबी हेमा मथुरा से चुनाव लड़ी और वो जीती, लेकिन मेरा बॉबी कब तक बेरोजगारी से लड़ता रहेगा साहब, कब तक? शक्ति कपूर। आओ, अरे धक चिकी धक चिकी धक चिकी हाय, अरे मैं ऐसे बाप के औलाद हूँ जिसके छोरे में जब तक कूद ना लगाओ उसका वो दिल न जाता, नंदो सबका बंदो। अनिल कपूर। या मैं अनिल कपूर फ्रॉम मुंबई चेंबूर। मैं कितनी बार बोला होता भाई टेंशन नहीं लेने का नहीं लेने का, लेकिन फंस गया चक्कर में, समझे? छकास। राज बब्बर।
भाई कहने को तो ये कहना पड़ता है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे सामने जब भी किसी परिंदे ने पर फैलाए, हमने उसके परों को काट के अपनी हवेली में चुनवा दिया है। राजकुमार, जानिए न तीर से न तलवार से बंदा डरता है तो परवर दिगार से। अजय देवगन, हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां चा पानी कम था। एक साथ बोलो जुबा केसरी। फरहान अख्तर, ओह माय गॉड, आई एम वेरी टैलेंटेड गाय, ट्रस्ट मी। दिलों में बेताबियां लेकर चल रही हो तो जिंदा हो तुम, नजरों में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रही हो तो जिंदा हो तुम। ऋतिक रोशन, I mean wow, this is fantastic, unbelievable. I mean मैं लखनऊ कल रात को आया, उसके बाद में मेरी माँ ने मेरे को बोला, रात को घर आयो, चलो अभी जाके दूध में मिला के बॉर्नविटा पी दे। मेरी माँ हमेशा कहती है कि बॉर्नविटा पीना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं कहती कितना पीना चाहिए। कर चार गरम गरम ग्लास पी लिए, पूरी रात मैंने क्या क्या किया मैं ही जानता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लूज मोशन हो गया माँ, इन सभी ने मेरी पावर का गलत इस्तेमाल किया। मैं आ रहा हूँ माँ, आ रहा हूँ। मिथुन, अरे माँ कसम, अपना नाम शंकर है। दुनिया जानती है कि जब दुनिया में सब कुछ सही चल रहा होता है, साला कोई विलन मेरी बहन को उठाकर भाग जाता है। शंकर को यह बर्दाश्त नहीं है, मां कसम जान से मार सकता है। जीतेंद्र, अरे ताकी, मैं सही कहता हूं, ये जो तुषार है ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इसको नाले के पास से उठाकर लाया था। मैं सही कहता हूं, ये साला जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरा बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है, बस आ ओ करता है, मेरा दिल जलता है। गुलशन ग्रोवर, बैड मैन गन्ना चूस गए, अरे भाई मेरे दिल को भाया, मैं गन्ना चूस के खाया, ओए लेकिन उत्तर प्रदेश वालों से कभी नहीं बढ़ना चाहिए, यहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं, ओए खड़े होके यहाँ से पान की पिचकारी मारेंगे, साला जहाँ पर फेंकेंगे वही गिरेगा। डर्टी माइंड। अक्षय कुमार, शैतान लड़की, बाबू भैया मैं बता रहा हूँ, इसी लड़की ने तीन बार मेरा इंटरव्यू लिया, तीनों बार लास्ट टाइम में तो उसे मेरे माइक सर पर मारा था, बता रहा हूँ इस बार तूने किया, छोड़ूंगा नहीं। ढोलकी के तू क्या देख रहा, तू भी आ जा। अब जब बाबू राव की आपने बात कर ही दी है तो बाबू राव की भी हो जाए। अरे बस कर बाबा, ये साला मेरे को इतना टेंशन होता है ना रे, अरे बाबा मेरे को कल मालूम पड़ा, साला मेरे को कोई बोला ये लखनऊ के लोग इतना ज्यादा रूल फॉलो करते। साला एक आदमी गाड़ी में जा रहा था, पहले लेफ्ट देखा फिर राइट देखा, मोटरसाइकिल चला रहा है, पहले लेफ्ट देखा फिर राइट देखा, मैं बोला क्या मस्त आदमी है साला, ऐसा आदमी होना चाहिए जो रूल फॉलो करता है। इस साला मेरा बाजू वाला बोला, अरे बाबू राव इस साला गुटखा थूकने के लिए जगह ढूंढ रहा है, मैंने कहा इसकी माँ का मेरे को नहीं मानता, ये शाम मेरे को लेकर जा रहा है यहाँ से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इसकी माँ का मेरे को इतना तकलीफ है ना, 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है मैं, मेरे को तकलीफ नहीं होता, लेकिन माँ कसम मेरे को इतना तकलीफ है, सलमान भाई का मैं चड्डी साफ करता, बनियान साफ करता, गाड़ी साफ करता, पोछा लगाता, सलमान भाई मेरे को पगार के नाम पर खाली 20 पूड़ी देता, माँ कसम मेरा जिंदगी नरक हो गया, मेरे को ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, कसम से बता रहा मैं कैसे जीना मैं चाहता है, मेरे को बस माल फूकने को मिलता है ना मेरे को मस्त लगता है, समझा क्या, बहुत अकड़ा है ना तोहरा में, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। उत्पल दत्त, बेटा राम प्रसाद बड़े अच्छे संस्कार है तुम्हारे, ईश बेटा कम से कम पैर छूते हो तो जरा झुक कर छुआ करो, वरना पता नहीं चलता क्या कर रहे हो बेटा। आपके इंस्पिरेशन शाहरुख खान, ओके इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है, बहुत तकलीफ देती है ये दुनिया।